Welcome students in today's class. Today we have to see about lesson number 1, computer system. Students, you know that what is computer? आपने देखा है ना आपके घर में या फिर हमारे computer lab में भी, हमारे school में computer lab में हमने computer देखा है. Computer कैसे होता है? एक सामने screen होती है जिसे monitor बोलते हैं. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ब्लैक कलर का जिसे सीपीयू कहते हैं, है ना. कीबोर्ड होता है, माउस होता है. ये एक कंप्यूटर आपने देखा है. कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है. व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, मैनिपुलेट्स इट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट. मतलब कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है, उसे मैनिपुलेट करता है, उसमें चेंजेस करता है, उसमें प्रोसेस करता है और जो उसका रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें प्रोड्यूस करता है. टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट डूइंग एनीथिंग विदाउट कंप्यूटर्स, है ना. कंप्यूटर के बिना कुछ भी सोचना आज के ज़माने में इम्पॉसिबल है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वंडर मशीन. बहुत ही आश्चर्यजनक या खूबसूरत मशीन है ये. अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सेवरल यूनिट्स. ईच ऑफ दिस यूनिट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. अब कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे यूनिट से बना हुआ होता है, लेकिन इसके मेन सिर्फ 4 ही यूनिट होते हैं. ऑल दिस यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड टूगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. उसके सारे यूनिट्स मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम बना है. There are 4 basic units of a computer system. One is input device. See, it's a. This one is a input device. Okay. After that, this input device is moving towards processing device. Okay. And processing device is also attached with output device. If we want to compare computer with human being, then can we compare it? Yes, we can. We can compare the computer with human being. कैसे compare कर सकते हैं हम computer को human being से? हम हमारी आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, है ना. हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं. मतलब हम आईज और ईयर्स की मदद से डेटा इनपुट करते हैं. मतलब हमारी मेमोरी में हम जो देखा है या फिर सुना है उसे सेव करते हैं, है ना. वी आर टेकिंग इनपुट. आफ्टर दैट, फॉर एग्जांपल, वी कैन से व्हेन एग्जामिनेशन इज गोइंग और व्हाट एवर टीचर टीच इन द क्लास, यू लिसन इट विथ योर ईयर्स एंड सी विथ योर आईज, है ना. जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं और वो मेमोरी में सेव करते हैं, ब्रेन में सेव करते हैं. और जब एग्ज़ाम आती है तो उस समय हम आंसर्स देते हैं ओरली या फिर रिटन फॉर्म में, हाथ से लिखकर या फिर ओरली, है ना. मतलब यहाँ भी हम आउटपुट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन और ओरल, है ना. और हम प्रोसेस भी कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, वैसे ही हम स्टोर भी कर रहे हैं. मतलब हमारे पास भी स्टोरेज यूनिट है. एज शोन इन दिस गिवन फिगर, यू कैन सी द प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. अब इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में भी इनपुट डिवाइसेस होती है. जैसे हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, है ना. हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए मतलब उसे कमांड देनी पड़ती है हमें. अब कमांड देनी है तो उसके लिए, इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो उसके लिए हमें कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ेगी. देन कीबोर्ड एंड माउस
आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, है ना। कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल है। सी एज शोन इन द फिगर, इट्स अ इनपुट डिवाइस, इट्स अ इनपुट डिवाइस। दिस इनपुट डेटा, हम जो इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड और माउस की मदद से, वो प्रोसेसिंग डिवाइस को जाता है। हमारा प्रोसेसर ब्रेन है ना। हम भी जो इनपुट, हमारे इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा लेते हैं, वो हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे प्रोसेसर में सेव करते हैं। हमारे इनपुट डिवाइसेस मतलब आइज एंड ईयर्स। अब आइज और ईयर्स से जो सुनते हैं वो हम ब्रेन में सेव करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी उसके इनपुट डिवाइसेस से जो डेटा आता है उसे प्रोसेसर में सेव करता है। प्रोसेसर से स्टोरेज डिवाइस अटैच होता है। जैसे हमारे ब्रेन से हमारी मेमोरी अटैच है ना, हमारे पास मेमोरी होती है जिसमें हम अपना डेटा सेव करके रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें वो इनपुट डेटा और प्रोसेसिंग डेटा सेव करके रखता है। ठीक है, अब प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट आप कहाँ देखते हो? मॉनिटर पे। मॉनिटर पे आउटपुट दिखेगा, दैट्स व्हाई मॉनिटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर हैज़ फोर यूनिट्स, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, नाउ वी हैव टू सी वन बाय वन इन डिटेल अबाउट दिस फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। फर्स्ट वी विल सी अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्टाइलस, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम, बार कोड रीडर एट्सेट्रा एंड मेनी मोर। आपने इसमें से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस देखे भी होंगे। कीबोर्ड माउस आपको पता है, टच पैड आपको पता है, स्कैनर भी पता है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें, बार कोड रीडर आपने देखा है, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आपको पता है। वी विल सी अबाउट दिस इनपुट डिवाइसेस वन बाय वन। फर्स्ट इज अ कीबोर्ड। सी दिस कीबोर्ड, ऑन दिस कीबोर्ड देयर आर टोटल 204 कीज इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, अब इसमें कौन सी कीज़ है? देखो, सबसे ऊपर में आपको दिख रही है कीबोर्ड के ऊपर में फंक्शन कीज़, ये कितनी कीज़ है? F1 टू F12, टोटल 12 फंक्शन कीज़ है। ठीक है, ये टोटल 12 फंक्शन कीज़ है। जस्ट बिलो द फंक्शन की यू कैन सी दीज आर फंक्शन कीज़। ओके, हॉरिजॉन्टली F1, F2, F3, F4, F5 अप टू F12 आर द फंक्शन कीज़। आपके घर में भी कंप्यूटर होगा, उस वो भी कीबोर्ड आप देख सकते हैं, उसके जस्ट नीचे होती है नंबर कीज़। यू कैन सी दिस नंबर कीज़, देयर आर टोटल 10 नंबर्स, 0 to 9, दैट्स व्हाई नंबर कीज़ आर आल्सो 10, है ना। 0 तक के नंबर की है, जस्ट अबव द नंबर की। अब नंबर की के साथ ही एक और भी कुछ सिंबल कीज दिख रही है, जैसे ये एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंट, एस्ट्रिक्स, एम्परसेंट, स्टार, पैरेंथेसिस, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द सिंबल कीज अटैच विथ नंबर कीज। ओके, जस्ट बिलो द नंबर की हियर इज अ अल्फ़ाबेट कीज। ऑल ऑफ यू नो अबाउट हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? In English language, there are 26 alphabets or 26 letters. आपको पता है ना, English language में 26 letters होते हैं, A, B, C, D, up to Z, है ना, A से Z तक के total 26 letters, alphabets होते हैं। वैसे ही keyboard में भी 26 alphabet दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम computer को text डेटा भी देते हैं और नंबर टाइप डेटा भी देते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप नंबर कीज़ का यूज़ करेंगे, अगर आपको नाम लिखना है, कुछ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, तो आप ये अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। जस्ट बिलो द अल्फ़ाबेट की हियर इज़ अ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड।
देखो ये एक हॉरिजॉन्टल सबसे लंबी की कीबोर्ड की दिख रही है, इसे कहते हैं स्पेस बार की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज स्पेस बार की, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार की। ओके, इसके साथ ही यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कीज भी दिख रही हैं, जैसे टैब, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ऑल दीज आर द स्पेशल कीज। यहाँ भी है शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये कीज डबल दी हुई है। ओके, ऑल दीज आर द स्पेशल कीज। जस्ट राइट ऑफ दिस स्पेशल कीज हियर इज अ एरो, कैन यू सी दिस एरोज, अप एरो, डाउन एरो, ऑल दीज आर द कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर को कंट्रोल करते हैं, इन एरो कीज की मदद से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है, कर्सर को ऊपर मूव करना, नीचे, पेज के पेज डाउन, पेज अप, राइट, लेफ्ट, वी कैन मूव द कर्सर विद द हेल्प ऑफ दीज कीज, एरो कीज। कीबोर्ड कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक तो वायर हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। अब वायर्ड अगर है वो तो आपको पता है केबल से कनेक्टेड रहेगा, और अगर वायरलेस है तो कीबोर्ड हैज़ अ केबल दैट इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू, इट्स अ वायर्ड। वायरलेस कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स यूजिंग द ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से या फिर ब्लूटूथ से हम वायरलेस कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ माउस, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपने माउस देखा है, आपके घर में कंप्यूटर है उसमें आपने माउस देखा होगा, आपको पता है ना माउस, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये जो एरो मूव हो रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मूव होते हुए ये माउस का पॉइंटर है, इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। इससे हम क्लिक करते हैं माउस से, इसलिए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू पॉइंट एट, सिलेक्ट एंड मूव एटम्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे एटम्स सिलेक्ट करने के लिए, उसे मूव करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं, इट्स अ माउस पॉइंटर। इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर, ये कर्सर की मूवमेंट भी कंट्रोल करता है, कर्सर को, कर्सर मतलब वन ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। जैसे आप नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं या फिर पेंट में कुछ लिख रहे हैं, आपने पेंट में कोई शेप बनाया और उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखती है। जैसे ही आप माउस से क्लिक डबल क्लिक करते हैं तो ब्लिंकिंग लाइन स्क्रीन पे आपको दिखती है, दैट ब्लिंकिंग लाइन इज कॉल्ड कर्सर। सो इट इज़ अ पॉइंटर ऑफ अ माउस, हाँ, और वो है कर्सर। अब कर्सर को मूव करने के लिए भी माउस का यूज़ होता है। अब ये माउस जो सामने दिखाया है पिक्चर में, ये ऑप्टिकल माउस है। पहले जो माउस रहते थे उनके नीचे एक छोटा सा ऐसे बॉल रहता था, और जैसे ही हम माउस को माउस पैड पे मूव करते थे वो बॉल भी मूव होता था और माउस वर्क करता था, पॉइंटर भी माउस का मूव होता था। लेकिन अभी जो माउस आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस है। कौन से माउस है? ऑप्टिकल माउस। अगर आप, आपके घर में कंप्यूटर है और आप माउस को उल्टा करके देखेंगे तो उसके नीचे आपको एक रेड कलर की लाइट दिखती है, इट इज़ अ ऑप्टिकल लाइट। ओके, दैट्स व्हाई दिस माउस इज कॉल्ड ऑप्टिकल माउस। अ माउस जनरली हैज़ टू बटन्स एंड अ स्क्रोल व्हील। आपने देखा है, ये देखो, ये माउस में ये बीच में स्क्रोल व्हील दिख रहा है, ये कॉर्ड वायर वाला, वायर्ड वाला माउस है, और ये वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस में भी आपको नीचे में ये व्हील दिख रहा है ना, मूविंग व्हील। ये व्हील मूव होता है पेज को अप, मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ओके, एंड इसके साथ ही ये लेफ्ट बटन होती है और ये राइट बटन होती है, वैसे ही यहाँ भी लेफ्ट बटन होती है और राइट बटन होती है। लेफ्ट बटन क्लिक करके हम
कर्सर को मूव कोई एटम सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके, एंड राइट क्लिक करके हम पॉपअप मेन्यू जो अपीयर होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होता है, मतलब कुछ कंटेंट हमें दिखते हैं, उस कंटेंट की मदद से हम एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और ये बीच में का जो व्हील है, द स्क्रोल व्हील इज यूज टू मूव अ पेज अप एंड डाउन, ओके। नाउ सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर आवर डिस्कशन एंड अबाउट रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस एंड अदर डिवाइसेस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।